मैं मेरा सवाल शुरू करने से पहले इस सदन में मौजूद तमाम नए सदस्यों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आप नए सदस्यों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 300 नए सदस्य है और स्वाभाविक है जब इस महान सदन के अंदर जब हम आए तो कहीं ना कहीं कुछ घबराहट थी कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आज ही हमारी पूरी टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं आपका तमाम सदस्यों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। कल जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे और लोग पूछेंगे कि कैसा रहा पहला सत्र, तो हम ये कहेंगे कि सरकार का तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे एम्पायर जो है वो न्यूट्रल एम्पायर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि मैं औरंगाबाद से आता हूँ और औरंगाबाद में अभी फिलहाल पानी की जो गंभीर समस्या है वो इतनी गंभीर हो चली है कि 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी आता है। रात में हमारी माएं और बहनों को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर, और ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर एक बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता ने एक प्राइवेट कंपनी औरंगाबाद के पानी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दिया है। ये देश के अंदर पहला ऐसा केस है कि जहां पर पानी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि फौरन इसे रोका जाए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पानी को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है, इस मुद्दे के ऊपर फौरन सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। पिछले 9 साल से ये मामला इस वजह से अटका पड़ा है कि वहां का प्रशासन चाहता है, वहां की सरकार चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, पूरा पानी का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाए। समांतर नाम की कंपनी इंट्रोड्यूस की जा रही है, एक पायलट प्रोजेक्ट बोलकर उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और अगर पानी अगर आप बेचना शुरू कर डाले तो इस देश के अंदर कितनी हाहाकार मच जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की ही सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हम सरकार से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहते हैं कि पानी की गंभीर समस्या को लेकर हम सरकार से ये कहेंगे कि कम से कम एक 8 दिन का या तो विशेष सत्र बुलाए सिर्फ पानी की समस्या हल करने के लिए, या नहीं तो इस सत्र के दौरान 2-4 दिन कम से कम सिर्फ पानी के ऊपर चर्चा करने के लिए, ताकि बैठे बैठे यहां पर इसका हल निकाला जा सकते हैं।